मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। ताज नगरी आगरा में बसंत पंचमी के मौके पर शहर से लेकर देहात तक बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आइए जानते हैं बसंत पंचमी के त्यौहार पर किस प्रकार लोगों ने बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया। मेरा नाम मनोज पांडे है, मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था का महानगर उपाध्यक्ष हूँ। आज बसंत उत्सव के उपलक्ष में महानगर अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी के नेतृत्व में दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, जिसमें आज छावनी विधानसभा, उत्तरी विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा और ऐदमारपुर तक के हमारी टीम आई हुई है। छावनी परिषद उपाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है इस समय, और ये कार्यक्रम रखा गया। सबसे पहले हम यहाँ हवन करेंगे माँ सरस्वती जी का, उसके उपरांत में प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा, और जो माताएं बहनें और ब्राह्मण बंधु यहाँ पर आए हुए हैं उन सबके नेतृत्व यहाँ पर हलवे का और मीठे चावल का जो है माता सरस्वती जी को और साथ श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी को भोग लगाने के उपरांत ही प्रसाद वितरण होगा। और ये छोटे गरीब बच्चे यहाँ पर हैं, गरीब तबके के बच्चे यहाँ पर हैं छोटे छोटे, उन सबको रबड़ कटर पेंसिल और जो भी हमारी किताब है सॉरी ये आपके बुक्स हैं उन बच्चों को दी जाएगी, जिससे एक सेट दिया जाएगा उन गरीब बच्चों को, ताकि वो गरीब बच्चे आराम से पढ़ सकें। और आज क्योंकि माता सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, वीणा वाहिनी कहा जाता है, हंस वाहिनी कहा जाता है, हे माँ सरस्वती से आज हमारी प्रार्थना है, हे माँ सरस्वती, हे माते, हम सब में ज्ञान के बुद्धि दे, हम सब ब्राह्मण वंश जय विप्र बंधु हैं और आप ही के संतान हैं, तो मैं चाहूंगा हमें सभी ब्राह्मण बंधुओं पर अपनी कृपा हमेशा माता रानी बनाए रखे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश शुक्ला है, मैं विश्व हिंदू रक्षा संगठन से उत्तर प्रदेश सचिव एवं जिला महामंत्री आगरा बीजेपी एमएलएस। मैं आपको आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमने आज गंगोत्री पब्लिक स्कूल में एक मुख्य अतिथि होने के नाते बच्चों को समझाया, मैंने बच्चों को और समझाया कि हमारे भारत देश में जो है छः मौसम, अपने भारत देश में मौसम को छः भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है वर्षा, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है शरद, चौथा है हेमंत, पांचवा है बसंत और छठवा है शिशिर। हर मौसम की अलग अलग कल्पना होती है, जैसे कि वर्षा में वर्षा होती है, ठंड जो ठंड होती है ग्रीष्म में होती है उसमें गर्मी होती है, शिशिर में जो है पतझड़ टाइप में रहता है हेमंत, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग ऋतुओं की अलग अलग महत्व है। बसंत ऋतु का जो है एक अलग महत्व है। इस बसंत ऋतु के तौर पर देखा होगा आप लोगों ने कि सभी लोग पीले रंग के कपड़े पहनने के लिए बोलते हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि इसलिए क्यों बोला जाता है कि बसंत ऋतु के दिन, बसंत पंचमी के दिन जो है पीले वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? जी, मैं आपको बताता हूँ, बसंत ऋतु के दिन पीले वस्त्र इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि पीला रंग जो होता है वो समृद्धि का सूचक होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी यही कहा गया है कि पीला रंग जो है समृद्धि का सूचक है, यानी कि जो चीज हम कर रहे हैं उसके लिए हम समृद्ध हैं उसका सूचक। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सोने जैसी सरसों चमकने लगती है, फूल जो है अपनी कलियों द्वारा खिलने लगते हैं, गेहूं की जो बालियां होती हैं वो मानो ऐसे खेतों में चमकने लगती है जैसे कि सोने की खेती हो, और इधर उधर जो है रंग बिरंगी तितलियां भी इस मौसम में उड़ने लगती हैं। हम इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर लाल सिंह, गंगोत्री पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय के रूप में मैं बसंत पंचमी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम हमारे विद्यालय में बड़े हल्लू खुशी से मनाया गया है, जिसमें माँ सरस्वती की पूजा की गई है और इसमें बच्चों को अवगत कराया बसंत पंचमी का त्यौहार जो है या दिन ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है, बसंत ऋतु में क्यों मनाया जाता है, इसमें भगवान विष्णु का भी पूजा की होती है इस दिन, और पीले वस्त्रों का इसमें धारण करते हैं बच्चे और सभी लोग पीले, क्योंकि इस समय बसंत ऋतु का समय मौसम आता है, सभी जगह फुलवाड़ी फूल लगते हैं, सभी जगह पौधों के फूल आते हैं, खेतों में सरसों के फूल आते हैं, बालियाँ आती हैं गेहूँ की, तो ये सब हमारा एक तरह से उल्लास का
समय आता है, ये महीना आता है, इसमें सभी फसलें आपकी उल्लास के साथ उगती हैं और लोगों को बहुत खुशी के हिसाब से इस पर्व को मनाया जाता है। इस बारे हमने बच्चों को सबको अवगत कराया और माँ सरस्वती की पूजा भी कराई। मेरा नाम ऋषभ तोमर है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं अखिलप्रा गाँव में रहता हूँ। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में मैं आज कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो कृपया क्षमा करें। बसंत पंचमी एक हिंदू का त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत के बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर मांजर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भर भर भवरे भवराने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन का बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें भगवान विष्णु और कामदेव जी की पूजा की जाती है। ये बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है तथा पुराने शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से चित्र मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम है और मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में 4 लाइन कहना चाहती हूँ। देखो फिर से बसंती हवा आ गई, शाम कोयल की कानों में यों छा गई, कामनी मिल खोजेंगे रंगीनियाँ, इस कदर डूबी क्यों बाहरी रंग में। धन्यवाद। मेरा नाम बब्बू है, मैं स्कूल से हूँ और आज जो है सरस्वती की पूजा है। आज बसंत पंचमी है और जो बसंत पंचमी होती है जो इन दिनों जो होता है जो किसानों के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि वो अपनी फसल को देख के बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचते हैं इसी से हमारी सब कुछ आमदनी है। और इसमें सरस्वती में और पीले वस्त्र पहने जाते हैं। PDS हायर सेकेंडरी स्कूल कोरा चित्रपुर, आप सभी क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी एवं माँ सरस्वती के अवतरण दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। जय हिंद।